क्या गया के चमन से चली गई है बहार, निखार फूलों का कलियों की ताजगी था तू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट महामिसा। आज हम ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं बिलाल शहीद साहब को, जिन्हें आज ही के दिन एक साल कबल बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। आज हमारे साथ जू मीडिया के शो में मौजूद हैं बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी आफ्ताब नज़ीर सवाती साहब। आइए उनसे बिलाल शहीद साहब की जिंदगी के बारे में चंद सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और हमारे शो में तशरीफ लाए। आपका शुक्रिया कि आपने इंतहाई अहम मौजू पे मुझना चीज पे आपकी और बेखसूस के बाद बिलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हो हम हाजिर हैं। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि बिलाल शहीद को बतौर ब्लॉगर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आप कैसे समझते हैं? बिलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जैसा ब्लॉगर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या ट्विटर ट्रेंड चलाने वाला पाकिस्तान को दोबारा नहीं मिला। आप ये देखिए कि बिलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह किसी भी मसले पे जब स्टैंड लेते या वो उस पे खड़े होते तो वो उसको लेकर चलते। आप देखिए वो ना सिर्फ ट्रेंड चलाते, ना सिर्फ वो ट्विटर और फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे नज़र आते, बल्कि वो सड़कों पर भी निकलते। तो ऐसा ब्लॉगर या ऐसा सहाफ़ी या ऐसा वीलॉगिंग करने वाला इंसान आपको बिलाल के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। और वो ट्रेंड जो सेट करते, उसके जो अल्फाज का इंतखाब करते, पूरी दुनिया में बिलाल जैसा ट्रेंड चलाने वाला कि एक वक्त में दो घंटे में तीन घंटे में टॉप ट्रेंड बनाना, एक घंटे में तीन घंटे में चार घंटे में किसी भी ट्रेंड को, आप अरब स्प्रिंग देखें, आप अमेरिका का मसला देखें, आप ईरान सऊदीया का मसला देखें, कहीं भी कोई वाकया होता तो बिलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह बतौर सहाफ़ी ब्लॉगर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितनी तेज़ी से आते, जिस तरह से वो काम करते, वो काम बिलाल के अलावा मैं नहीं समझता कि कोई और ब्लॉगर कर पाया हो या कर सके। मुझे माजी करीब में या हाल में कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आता कि जिसने डिजिटल से मैं आप कहूँगा सोशल मीडिया को इस तरह से लियो जिस तरह से कि बिलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह लेके चलते थे। उनका टेक्निकली भी दिमाग चलता था, दूसरा उर्दू अदब पे उनको काफ़ी दस्तरस थी, जिस वजह से अल्फाज का इंतखाब, चुनाव और अंग्रेज़ी, आप ये देखें ना, अल जज़ीरा जैसा चैनल बिलाल को ले रहा है, CNN जो है बिलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की खबर चला रहा है, आसिफ गफूर साहब आके बिलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर ट्वीट कर रहे हैं। तो आखिर कुछ तो था ना उस बंदे में, कुछ तो था कि जिस वजह से बिलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह हमारे पाकिस्तान का एक अजीम सरमाया कहलाए और उनकी शहादत के बाद ये खलापुर नहीं हो सकता। बिलाल शहीद की मजलूमाना शहादत पर मुखालिफ और मुवाफिक यकसर अजीदा थे, ये खसूसियत मेरे इल्म के मुताबिक किसी और को हासिल नहीं, आप इसके बारे में? बिल्कुल, देखें जी, बिलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह फिरकावारियत से बालातर थे। बिलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को आप अगर देखें तो वो बाबा खादिम हुसैन रिजवी के भी जलसे में आपको नज़र आएंगे, वो आले सुन्नत वल जमात के जलसों में भी आपको नज़र आएंगे, वो आसिया मलऊना का केस लेके भी उठते थे, वो एक मज़लूम ख़ानदान जिस पे जुल्म हुआ और बच्चों को मारा जा रहा है उसके लिए भी उठते थे। वो ये नहीं देखते थे कि ये मेरा अपना है, ये पराया है, वो ये देखते थे कि जुल्म कहाँ हो रहा है, हक कहाँ है, और वो हक के साथ खड़े होते थे। तो वो इन चीज़ों, इन हदूद से मावरा होकर, इन चीज़ों से निकल कर काम करते थे। इसी वजह से वो हर तबके में, हर मसलक में मुसलमानों के, हर जो है ना मकतब फ़िक्र में उनकी एक इज़्ज़त थी और उन्हें उनकी एक उनको रिकग्नाइज़ किया जाता था। बिलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहीं भी चले जाते तो उस मकतब फ़िक्र के बड़े खड़े होकर ना सिर्फ उनका इस्तकबाल करते बल्कि उनको गले भी लगाते। तो यही वजह है कि जब बिलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से जाते हैं और उनकी मज़लूमाना शहादत होती है तो हर मकतब फ़िक्र के बड़ों ने रंजीदगी का इजहार किया, गम का इजहार किया और उनकी फैमिली के साथ हमदर्दी का इजहार किया। बिलाल एक नज़रियाती कारकुन के हवाले से आप क्या समझते हैं कि नौजवानों को इनकी ज़िंदगी से क्या सीखना चाहिए? जी बिल्कुल, नौजवानों को सीखने के लिए बहुत कुछ है। बिलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जहाँ एक नज़रियाती कारकुन थे, एक ब्लॉगर थे, एक सहाफ़ी थे, एक स्टूडेंट थे, एक तालिब इल्म की हैसियत से भी कर रहे थे, एक जॉब भी कर रहे थे, इसी तरीके से वो एक भाई भी थे, एक बेटे भी थे, वो अपनी बहनों की ज़िम्मेदारी भी निभाते थे, अपने छोटे भाइयों की ज़िम्मेदारी भी निभाते थे, अपने बूढ़े माँ बाप की ज़िम्मेदारी भी निभाते थे। तो बिलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक पैगाम दे गए नौजवानों को कि अपने डोमेन में रहकर काम करो लेकिन साथ साथ अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ भी निभाओ,
ऐसा नहीं कि आपकी वालदा घर में बैठी हैं, उनके लिए सब्जी लाने वाला कोई नहीं, बूढ़े माँ बाप बैठे हैं और बिलाल जनाब जो है ना आप गए हुए हैं किसी कॉन्फ्रेंस में अपने लीडर का जलसा सुनने, अपने लीडर की तकरीर सुनने, ऐसा नहीं था। बिलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जलसों में भी जाते, कॉन्फ्रेंसिस में भी जाते, सेमिनार्स भी अटेंड करते, लेकिन साथ साथ अपने बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी भी निभाते, क्योंकि बहुत कम दुनिया जानती है कि वो उस वक्त घर के वाहिद कफील थे। वो अपनी बहनों की जिम्मेदारी भी निभाते, उनके तालीमी अखराजात भी उठाते, वो जॉब भी करते, साथ साथ वो सोशल मीडिया को भी वक्त देते। और पाकिस्तान का नंबर वन सोशल मीडिया ट्रेंड सेट करने वाला अगर कोई नाम था तो वो बिलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरा आपसे चौथा सवाल है कि बिलाल की बेबाकी और उनका निडर होना, कि यही वजह थी इनके कत्ल की? बहुत सारी वजूहात में से एक वजह भी हो सकती है, क्योंकि बिलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह हमीयत तो थी, गैरत भी थी, और वो आप देखें बल्कि उनकी शहादत भी देखें कि जिसने बुलाया चले गए, और जब शहीद हो रहे हैं उस वक्त भी बाकायदा मुकाबला करते रहे, बज़ाहिर एक नहीफ सा जिस्म, लागर सा जिस्म, लेकिन पहाड़ों जैसा दिल था उनका, मतलब यूँ चीर के रख देते थे, उनके अल्फाज में ऐसी काट थी कि बिलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को अगर आप देखें तो वो बड़ी बड़ी जहाँ बड़े बड़े HD कैमराज ब्लैक आउट करके बैठे थे और उन मौजूआत पे बोल नहीं सकते थे, बड़े बड़े सहाफ़ी जिनका एक नाम है उनके कलम चुप हो चुके थे, खामोश हो चुके थे, उनकी तहरीर और तकरीर से कोई बात नहीं हो रही थी, वहाँ बिलाल की तहरीर भी आती, वहाँ बिलाल की तकरीर भी आती, और बिलाल उन मौजूआत को छेड़ते कि बड़े बड़े हिल के रह जाते कि भाई ये बच्चा कर क्या रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल को जल्दी थी, बिलाल को जल्दी थी, बिलाल ने हक अदा किया, उसने हक अदा किया सच बोलने का और सच पहुंचाने का, और इसी सच की पादाश में बिलाल को कत्ल किया गया। क्या वजह है आफताब नजीर साहब कि आज तक उनके कातिल नहीं पकड़े गए, जबकि उनका मोबाइल फोन आज भी पुलिस की तहवील में? देखिए जी, ये सवाल तो पुलिस से बनता है, ये सवाल तो इदारों से बनता है, ये सवाल तो उनसे बनता है कि जिन्होंने हमें आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान को सोमालिया के बराबर ला खड़ा किया। आप जानती हैं, ये तो आप उनसे सवाल पूछें, मेरा क्या कसूर है इसमें? मैं ये सवाल करता हूं कि आज पाकिस्तान में मैं कहता हूं सुभान अल्लाह, आप ना तालीम में नंबर वन ला सके, आप ना किसी और चीज़ में नंबर वन ला सके, इस वक्त पाकिस्तान पस्ती में कहां जा रहा है? मैं न्याजी सरकार से पूछता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त सोमाली कजाक कि जो बिल्कुल मफलूकुल हाल मुल्क है, पाकिस्तान दुनिया में अगर सहाफ़ियों के एतबार से आप देखें कि कितना ख़तरनाक मुल्क है तो सोमालिया के साथ खड़ा है। हमसे तो यमन भी अच्छा, हमसे तो लीबिया भी अच्छा, हमसे तो अफगानिस्तान भी अच्छा, हमसे तो हिंदुस्तान भी अच्छा चला गया उस रैंकिंग में। हम लोग सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान इस कदर खतरनाक मुल्क बन चुका है कि अगर आप उस फहरिस्त को निकाल के देखें, आप गूगल करें, मैं कहता हूं आप गूगल करें, दुनिया में सबके सामने हमारे पुश्तों में कहते हैं दागज दा मैदान, कि सबके सामने है कि बिलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कत्ल को आज एक साल, उनकी शहादत को हो गया आज 16 जून है, एक साल बाद भी आज तक उनकी FIR नहीं कटी। क्यों? मैं पूछता हूं, आपने राजा बाजार तालीमुल कुरान की FIR नहीं काटी? आपने CTD वालों ने बच्चे शहीद किए, सानेहा साहिवाल होता है मोटरवे पे, पूरी दुनिया के सामने उन बच्चों की शहादत देखी गई, उनके मां बाप की शहादत देखी गई, उन बिलकते उसकी बच्ची को जो बैग निकाल के मारा गया, कहां है कातिल? आप कहती है FIR तो हुई ही नहीं, आप तो पूछती है कातिल ना, उन कातिलों की FIR कहां है? उनकी फैमिलीज को डराया गया, हरासा किया गया। बात यह है कि बिलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कातिल कौन थे, ये मालूम करना मेरा काम अगर होता तो मैंने आपको अगले ही दिन बता दिया था कि बिलाल शहीद का कातिल वो है कि जो आज से 1400 साल पहले हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का कातिल था, आज से 1400 साल पहले हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का कातिल था, आज से 1400 साल पहले हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का कातिल था, आज से 1400 साल पहले हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का कातिल था, आज से 1400 साल पहले हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु का कातिल था। आपने अगर बिलाल के कातिल ढूंढने हैं तो आपको यही मिलेंगे, लेकिन आप अगर इरादा करें उन्हें पकड़ना चाहें आप तब पकड़ सकते हैं, आपकी नीयत ही नहीं, आपका इरादा नहीं। 350 सहाफी आपके गायब पड़े हैं, गिरफ्तार हुए हैं, किसी ने पूछा? 35 से ज्यादा सहाफी आपके कत्ल हो चुके, किसी ने पूछा? कोई नहीं पूछता। इस जुर्म की पादाश में, इस हक बोलने की पादाश में बंदा चला जाता है लेकिन पीछे कोई नहीं आता। हाँ, चैमगोइयां करते हैं लोग और करते रहेंगे, मुनाफिकीन 1400 साल से करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन बिलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जैसा इंसान दोबारा इस कौम को नहीं मिलेगा। हमारा कीमती असासा और सरमाया था, खुदा की कसम आज दिल खून के आंसू रोता है कि वो हम में नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इदारों की,
غفلت اور نااہلی ہے کہ ان کے قاتل آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں۔ افتاد صاحب، آپ سے میرا آج کا آخری سوال۔ پاکستان سے ان کی محبت کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ وہ بھارت کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی پاکستان میں فرقہ واریت اور دہشت گردی کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ آپ کو کیا کہنا ہے کہ واقعی ایران سب میں ملوث تھا؟ بالکل، ایران سب میں ملوث ہے۔ آپ دیکھیے کلبھوشن یادو کہاں سے پکڑے جا رہے ہیں، آپ دیکھیے چابہار پورٹ پہ کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیے آپ کے آرمی کے نوجوان کس حد سے سرحد سے شہید ہو رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے بی ایل اے جو دہشت گردی کر رہی ہے اس کے ٹریننگ کیمپس کہاں ہیں، آپ دیکھیے پاکستان کے اندر آموں کی پیٹیوں میں رکھ کے ایرانی بارڈر سے ایرانی حدود سے کیا لایا جا رہا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی جتنی بھی تحریکیں جو اس وقت بلوچستان کے اندر انارکی پھیلا رہی ہیں ان کو سپورٹ کہاں سے ہے۔ ہندوستان ڈائریکٹ آپ پہ اسٹرائک نہیں کر رہا، افغانستان کے راستے سے نہیں کر رہا، کیونکہ وہ مسئلہ ہم حل کر چکے ہیں طالبان کی صورت میں۔ ہندوستان کے پاس اس وقت میدان صرف ایران ہے، اور ایران کے ذریعے سے پاکستان کے اندر دہشت گردی امپورٹ کی جا رہی ہے اور ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے میجر ندیم کہاں شہید ہوئے، آپ کے 6 جوان کہاں شہید ہوئے، 8 مئی کا حملہ کہاں ہوا، یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں، بی ایل اے کے دہشت گرد ہماری آرمی کے نوجوانوں کو، ہمارے ان نوجوانوں کو کہ جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ کے وہاں گئے ہوئے ہیں، وہ بی ایل اے کے دہشت گرد انہیں وہاں ذبح کرتے ہیں، ان پر گولیاں چلاتے ہیں۔ آخر آپ یہ دیکھیے یہ دہشت گردی، اس کو معاونت کون سی سرحد سے حاصل ہے، یہ چیزیں تو ریکارڈ پہ ہیں۔ اور ایران کی آپ بات کرتی ہیں، مجھے بتائیں ایران کس کافر ملک کے خلاف لڑ رہا ہے، پوری دنیا میں دیکھ لیں، یمن میں ایران کی شورش، لیبیا میں ایران کی شورش، سعودیہ میں ایران کی شورش، جناب سوڈان میں آپ جائیں ایران کی شورش، آپ عراق میں جائیں ایران کی شورش، آپ مصر میں جائیں کہیں نہ کہیں ایران کا ہاتھ، آپ کہیں بھی چلے جائیں مسلمان ممالک کے اندر آپ کو ایران کی شورش اور ہاتھ نظر آئے گا۔ حال ہی میں سیریا میں شام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی ایران شورش بپا پکر کر رہا ہے، ایران الزینبیون اور الفاطمیون کی شکل میں وہاں دہشت گرد بھیج رہا ہے، جو چیزیں ریکارڡ پہ بھی ہیں، آپ کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ چکے ہیں۔ تو ایران تو ہر چیز میں ملوث ہے، اب تو کھلم کھلا ہے، وہ تو کہتا ہے اور کرتا ہے، لیکن کسی کافر ملک کے خلاف، کسی استعمار کے خلاف آپ کو امریکہ میں ایران لڑتا نظر نہیں آئے گا، باتیں کرتا نظر آئے گا، بولے گا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ 92 سے میں سنتا آ رہا ہوں امریکہ ایران پہ حملہ کر رہا ہے، ایران امریکہ پہ حملہ کر رہا ہے، بتائیں مجھے کب امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا، امریکہ نے عراق کو تہس نہس کر دیا، امریکہ نے لیبیا کو تباہ کر دیا، امریکہ نے افغانستان کو تباہ کر دیا، امریکہ نے پوری دنیا میں آپ دیکھیں سیریا کے اندر آج کیا ہو رہا ہے، شام کے اندر آج کیا ہو رہا ہے، لیکن امریکہ نے ایران کا کچھ نہیں کیا، کیونکہ بغل بچہ ہے، ایک ہی ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے، ایک ہی تھالی کے بینگڑ ہیں، یہ ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ ان کی جنگ ہوگی نہ لڑائی ہوگی۔ ہاں پوری دنیا میں بدامنی تب تک قائم رہے گی جب تک ایران موجود ہے، ایران یا تو شرارتوں سے باز آ جائے، وگرنہ ہم بھی پاکستان کے سپاہی ہیں، ہم بھی پاکستان کے سپاہی ہیں۔ اور یہی پیغام بلال شہید رحمت اللہ علیہ بھی شہادت پا گئے اور دیتے رہے کہ ایران دہشت گرد ملک تھا، ہے، اور جب تک اس کو نکیل نہیں ڈالی جائے گی ایران کی دہشت گردی رہے گی۔ یہی چیز بلال شہید رحمت اللہ علیہ کہتے کہتے چلے گئے۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ ہمیشہ سے افتراق کی بات کی، ہمیشہ سے ایران نے ہمیشہ سے نقصان کی بات کی، کبھی کسی کے ساتھ اتحاد کی بات کی مسلمان ملکوں میں، او آئی سی کے اجلاس آپ دیکھیں، اقوام متحدہ میں دیکھیں، وہ صرف اور صرف پاکستان کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف رہا، کہیں بھی وہ ایران آپ کو استعمار یا کفر کے خلاف نظر نہیں آئے گا۔ یہی بات بلال شہید رحمۃ اللہ علیہ کہے گا۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ آفتاب نذیر صاحب، اور اب ہم فون کال پہ لیتے ہیں بلال شہید کے بھائی کمیل کو، اور ان سے جانتے ہیں کہ بلال شہید ایز اے فیملی ممبر، ایز اے بھائی کیسے تھے۔ یس، السلام علیکم کمیل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ بہن کہ آپ نے اس موقع پہ ہمیں یاد رکھا، اور بلال کے متعلق جو آپ نے گفتگو کی ابھی آفتاب بھائی کے ساتھ وہ میں سن چکا ہوں۔ تو بلال ایک عجیب انسان تھا، وہ بھائی بھی تھا، دوست بھی تھا، وہ بیٹا بھی تھا اور کفیل بھی تھا نا، مطلب اس کے اندر ملٹیپل کئی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی تھی بلال کے اندر۔ وہ بہنوں کے ساتھ بھی بہت کلوز تھا، میرے ساتھ تو بہت ہی زیادہ کلوز تھا۔ میرے ساتھ میں نے ایک وہ جو چھوٹا بھائی اور بڑے بھائی کے درمیان ایک ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے عزت اور احترام مقام اپنی جگہ پہ وہ ہے، لیکن پھر بھی بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے درمیان ایک جھجک اور وہ
एक माहौल सा होता है बीच में, कम्युनिकेशन गैप होता है काफ़ी, लेकिन हमारे दरमियान में वो चीज़ नहीं थी। हम दोस्त थे बहुत ज़्यादा, वो मेरे साथ भाई था लेकिन भाई से बढ़ के मेरे साथ दोस्त था। उसकी बुनियादी वजूहात कुछ जो है ना वो ये हैं कि एक तो हमने स्कूल भी शुरू में साथ पढ़ा, हिफ्स भी दोनों एक साथ किया, और ज़िंदगी की शरारतें जो बचपन की शरारतें होती हैं वो भी दोनों ने एक साथ की, तो इसलिए ना हमराज भी थे और दोस्ती भी थी और भाई भी था। बहनों के साथ बिलाल दोस्ताना ताल्लुक़ था उनके साथ भी, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, और कहीं पे मतलब परेशान हो तो आके ऐसे उनको छेड़ता भी था और साथ में उनके अहवाल भी जानता था, ये बहुत ज़्यादा क्लोज होता था। और वालिदैन के साथ भी उसी तरीके से, बल्कि मैं बड़ा बेटा होने के बावजूद भी अपने ख़ासकर वालिद साहब से बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकता था, थोड़ी सी झिझक होती थी। लेकिन बिलाल वालिद के साथ भी दोस्ताना ताल्लुक़ था, वो वालिद साहब के साथ भी हर चीज़ को डिस्कस करते थे, और अम्मी की तरफ से भी। अम्मी हर माँ जो होती है अपनी तमाम औलाद को बराबर देखती है, बराबर समझती है, और करना भी ऐसा ही चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें फिर वो गॉड गिफ्टेड होती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से वदियत करदा होती हैं, तो उसमें फिर इंसान का अपना वो नहीं होता। तो वालिदा जो हैं वो हम सबको बहुत प्यार देती हैं, सब कुछ करती हैं। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह वालिदा हम तमाम बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, लेकिन बिलाल के साथ हमसे सबसे बढ़ के एक अलग लेवल पर उसके साथ क्लोज़ थी। तो बिलाल वो को मारने वाले ये समझते हैं कि बिलाल मर गया या बिलाल चला गया, ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिलाल हमारे साथ ज़िंदा है, हमारे आसपास उसकी बातें, उसकी यादें, ज़िंदगी के हर मोड़ पे उसकी याद है, हर जगह पे, गलियों में, मस्जिद में, स्कूल, कॉलेज, हर जगह पे बिलाल की याद है। इवन कि सोशल मीडिया पे भी अगर आते हैं तो हमें तन्हाई महसूस नहीं होती, बिलाल हमारे दिलों के अंदर ज़िंदा है। वो अपनी गुफ्तार में, अपनी तहरीरों में, अपने नज़रियात में, हर चीज़ में वो ज़िंदा है। वो कहते हैं ना कि सकरात को जो जहर देने वाले थे, आज हज़ारों साल गुजरने के बावजूद सकरात उसी तरह ज़िंदा है, लेकिन जो जहर देने वाले थे उनका नाम तक भी कोई नहीं जानता। तो बिलाल को मारने वालों की यह गलतफहमी है कि वो समझ रहे कि हमने बिलाल को ख़त्म किया। बिलाल अब एक नज़रिया, एक सोच बन चुका है, तो वो ख़त्म नहीं हुआ, चलो वो ज़िंदा है। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया कुवैत साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारे पास दूसरी कॉलर मौजूद है, सैयदा फातिमा शाह, जो कि बिलाल शेख की कोलीग थी। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने बिलाल शेख को एज ए कोलीग कैसा पाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जैसे कि हमें आपको सबको मालूम है कि बिलाल को शहीद होए हुए हमसे गए हुए एक साल गुजर चुका है। बिलाल शहीद रहमुल्ला एक बहुत ही अच्छी तबीयत के इंसान थे। खवातीन का अदब व एहतराम करना, उनकी वालदा ने शायद उनको घुटने में दिया था। वो हमेशा जिससे भी बात करते हैं इंतहाई मुअद्दिबाना तरीके से बात करते। वो नफरत किसी से नहीं करते थे, वो अपने मिशन से, अपने काज से मोहब्बत करते थे, और नफरत करते थे तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के फेल से नफरत करते थे। बिलाल शहीद रहमुल्लाह ने अपने इतनी छोटी उम्र में अपने मिशन पर, अपने काज पर नामोसे सहाबा, नामोसे अम्मा आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा, और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की दिफा करते हुए अपनी जान का नजराना तक दे दिया। बिलाल वो बादल था, जब गरजता था तो बादल सहम जाता था। बिलाल वो शेर था, जब धाड़ता था तो बातिल भाग जाता था। बिलाल वो बेनियाम शमशीर थी, बेनियाम तलवार थी, जो हमेशा बातिल के लिए उठती है। बिलाल अपनों के दिलों में और दुश्मन के दिमागों पे राज करता था। अपनों के दिलों में बिलाल कल भी जिंदा था, आज भी मौजूद है, और तो क़यामत इसी तरह रहेगा। और बिलाल की अगर देखा जाए तो दुश्मन ने, बातिल ने बिलाल की आवाज़ को बंद करके ये सोचना चाहा कि बिलाल को दुनिया से भेज कर, बिलाल को इतना मुस्लिमाना तरीके से मार कर शहीद करके वो बिलाल की आवाज़ को दबा देंगे। तो गौर करें कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ में जब पहली दफ़ा अजान दी गई थी, लेकिन फिर भी देख लें कि आज भी अजानें हमारी मस्जिदों में होती हैं। सो बिलाल की जो फ़िक्र थी, जो नज़रिया था, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। अब एक बिलाल क्या हर बंदे के ज़बान बिलाल बनी है, क्या बड़े लोगों की ज़बान पे
क्या बूढ़ों पे, क्या खवातीन पे, क्या हमारी बहनों पे, क्या हमारे बच्चों और बेटियों और बेटों की जबानों पे बिलाल शहीद का नाम जिंदा है। बहुत शुक्रिया फातिमा शाह, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। नाज़रीन, मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि बिलाल शहीद के कातिलों को पकड़ा जाए, और इसी के साथ अपनी मेज़बान महा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ज़ो मीडिया। क्या गया के चमन से चली गई है बहार, निखार फूलों का कलियों की ताजगी था तू।